चाहे कोई भी पर्सन कितना भी बड़ा आर्टिस्ट और जीनियस क्यों ना हो, आइडियाज किसी के पास भी सामने से चलकर नहीं आते, पर वो आर्टिस्ट आइडियाज को चुराते हैं, जो सिर्फ उनको ही पता होता है कि कौन से आइडियाज उन्होंने कहाँ से चुराए हैं। कंप्यूटर पे एनिमेटेड कैरेक्टर बनाने से लेकर अपने वर्कशॉप में किसी दो मेटल को जोड़ने के लिए किया हुआ वेल्डिंग भी एक आर्ट ही है। कई लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट मतलब पेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी पर्सन दूसरों को हेल्प करने के लिए अपनी स्किल के जरिए कुछ क्रिएट करता है वो आर्टिस्ट है। फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, कुक हो, प्लेयर हो या कुछ भी, वो एक आर्टिस्ट ही है। पिकासो कहते थे कि आर्ट एक चोरी है, जो आज भी सच है। जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट, दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंड द बीटल्स और अमेरिकन रैपर एमिनेम जैसी कई फेमस पर्सनालिटीज ने दूसरों के आइडियाज को कुछ इस तरीके से चुराया कि पूरी दुनिया को उनका वर्क ओरिजिनल लगने लगा। इसलिए आज मैं ऑस्टिन क्लेयोन की बेस्ट सेलिंग बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिससे आप सीखेंगे कि कैसे आप भी ग्रेट लोगों की तरह अलग अलग आइडियाज, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करके एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हो जो सबसे यूनिक हो। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से मैंने सीखी पहली बात, नथिंग इज ओरिजिनल। जैसे मैं भी कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं हूँ, मैं एक सिंथेसाइजर हूँ जो अलग अलग आइडियाज को कुछ अलग ही अंदाज से कनेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि गुड आर्टिस्ट आइडियाज की कॉपी करते हैं, पर ग्रेट आर्टिस्ट आइडियाज को ही चुरा लेते हैं। अब थोड़ा सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनका कहने का मतलब था कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो चीजों को इमिटेट करते हैं और दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो उसी सेम चीज को डीपली स्टडी करके उसे कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि उनकी खुद की पहचान वो चीज में झलकने लगती है। कई लोगों के लिए क्रिएटिविटी एक रहस्य की तरह होती है। उनको लगता है कि क्रिएटिव पर्सन को एकदम अचानक से ही आइडियाज आ जाते होंगे और वो माइंड ब्लोइंग चीजें क्रिएट करने लगते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी पर्सन कितना भी बड़ा आर्टिस्ट और जीनियस क्यों ना हो, आइडियाज किसी के पास भी सामने से चलकर नहीं आते, पर वो आर्टिस्ट आइडियाज को चुराते हैं, जो सिर्फ उनको ही पता होता है कि कौन से आइडियाज उन्होंने कहां से चुराए हैं। आर्किटेक्ट माइक पियर्स ने जिम्बाब्वे में ईस्टगेट सेंटर नाम की एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो बिना एसी के अपने आप कूल रहती है, और उस स्ट्रक्चर का आइडिया उन्होंने टर्माइट माउंड से चुराया था। 1989 में जापान के लोगों को उनकी बुलेट ट्रेन से एक शिकायत थी कि जब भी ट्रेन टनल से बाहर निकलती तब एक बहुत ही लाउड आवाज आती थी, जो टनल से जनरेट हुई प्रेशर वेव्स थी। तब टीम इंजीनियर इजी निकात्सु ने बुलेट ट्रेन के हेड की डिजाइन को चेंज किया और वो आवाज बंद हो गई। लोगों को उनका वर्क वर्ल्ड क्लास लगा, पर वो हेड की डिजाइन इजी निकात्सु ने किंगफिशर के नोज के शेप से चुराई थी, क्योंकि किंगफिशर का नोज बिना पानी को स्प्लैश किए पानी के अंदर जा सकता है, और इजी निकात्सु ने उस डिजाइन को वहां से उठा के ट्रेन के हेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंटी डस्ट पेंट भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी कमल के पत्तों का चुराया हुआ सरफेस स्ट्रक्चर है। ब्लॉकबस्टर मूवीज के डायरेक्टर्स भी मूवीज के कॉन्सेप्ट को माइथोलॉजी और पुरानी कहानियों से जानकर उसे थोड़ा ट्विस्ट देके नए रूप में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 90% आइडियाज किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होते हैं। मतलब जो भी काम आपको ओरिजिनल लगता है वो सभी आगे बनाई गई चीजें और आइडियाज का रिमिक्स वर्जन ही होता है। यानी कि एक तरीके से इंस्पिरेशन दुनिया में से ही कहीं से लिया गया है। कम्प्लीटली ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता। एक राइटर ने कहा था कि एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड बाई समबडी। इसलिए स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से मैंने सीखी दूसरी बात, स्टार्ट कॉपिंग योर हीरोज। पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने एडमिट किया था कि उन्होंने उनके सारे मूव्स उनके ही फील्ड के अलग अलग प्लेयर से चुराए थे, पर जब वो उसे यूज करते तो लोगों को वो सारे मूव्स का कॉम्बिनेशन ओरिजिनल ही लगता। क्योंकि अमेरिकन प्ले राइटर विल्सन मिजनर कहते थे कि अगर आप सिर्फ एक ही पर्सन को कॉपी करते हो तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं, पर अगर आप बहुत सारे लोगों से कॉपी करते हो तो उसे रिसर्च कहा जाता है। वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंड द बीटल्स भी पहले कवर बैंड हुआ करता था, जहाँ से उन्होंने अलग अलग म्यूजिक के कोर को जाना और बाद में खुद के ही म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। इस दोनों केस में उन्होंने अपने हीरोज यानी कि वो जिनसे इंस्पायर्ड थे उनके वर्क के पीछे छुपी हुई थिंकिंग को जाना और उसे कॉपी करके अपना खुद का ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस किया। ऑथर कहते हैं कि आप ज्यादातर चीजें कॉपी करके ही सीखते हो। जैसे कि जब आप छोटे थे तब आपके आसपास के लोगों को कॉपी करके ही आपने बोलना और चलना सीखा होगा, इसीलिए आप कॉपी करो पर अच्छे कैरेक्टर्स की और बेहतर आइडियाज की। जैसे एमिनेम भी दूसरे कई कंपोजर के राइम्स और वर्ड्स कॉपी करके उसे अपने तरीके से निखारते हैं। एक्चुअल में आर्टिस्ट दूसरों के वर्क को बहुत ही सिलेक्टिवली चूज करके कॉपी करते हैं। वो बहुत ही केयरफुली डिसाइड करते हैं कि किससे एग्जैक्टली क्या चीज कॉपी करनी है। इसलिए जब भी आप कुछ कॉपी करने जाओ तब अच्छे और क्रेडिबल सोर्सेज से कॉपी करो और अपने मल्टीपल आइडल्स में से जिसका जो वर्क आपको इंस्पायर करता हो उनके उस वर्क को डीपली स्टडी करके उसके पीछे छुपी हुई थिंकिंग को जानो, क्योंकि आपको आपके आइडल जैसा सिर्फ दिखना नहीं है पर उनकी
की तरह इस दुनिया को देखना भी है। अगर आप ऊपर ऊपर से कॉपी करेंगे तो लोग आपको डुप्लीकेट कहेंगे, लेकिन अगर आपने अंदर से सीखा होगा तो आपको ओरिजिनल माना जाएगा। और इसी प्रोसेस को दोहराने से आपको अपनी ओरिजिनल स्टाइल मिलेगी, जैसे कोबी ब्रायंट और बीटल्स को मिली। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से मैंने सीखी तीसरी बात, बिल्ड योर ओन वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिविटी वो नहीं है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, पर क्रिएटिविटी वो है कि आप क्या रिजेक्ट करते हो। जैसे ऑथर खुद पोयम लिखना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि क्या लिखे और क्या ना लिखे। पर जैसे कि आप सब जानते हो कि कोई भी चीज बेसिकली दो तरीके से बनाई जा सकती है, मटेरियल को ऐड करके या तो मटेरियल को रिमूव करके। तो उन्होंने वही किया कि ब्लैंक पेपर पे उनके खुद के वर्ड्स लिखने की बजाय उन्होंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में से वर्ड्स को रिमूव करके न्यूज़पेपर ब्लैकआउट नाम की उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश करी, जो न्यूज में से बनाई हुई पोएम्स का कलेक्शन है। एक जर्मन राइटर ने कहा था कि आप आपके इन्फ्लुएंसर्स का मैसिव वर्जन होते हैं, यानी कि आप जिस चीज से इंस्पायर होते हो उसी से ही आपकी एक अलग दुनिया बनती है। जैसे एप्पल की दुनिया सिंप्लिसिटी और इनोवेशन से इंस्पायर्ड है, तो दूसरी तरफ रेडबुल की दुनिया डेयरिंग और एडवेंचर से इंस्पायर्ड है। इसलिए आपका काम होना चाहिए ग्रेट आइडियाज को कलेक्ट करके अपनी खुद की ही एक इंस्पिरेशन की दुनिया बनाना। जहां पर भी आपको कोई भी ऐसी चीज दिखे जो आपके इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन को पावर दे, तो उसे कलेक्ट कर ले। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिव बनना आपका काम नहीं है, आपका काम है वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसके नए नए कनेक्शन बनाना। आज इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं, पर अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो आउटस्टैंडिंग हो, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीख के अलग अलग आइडियाज को अपने अंदाज में कनेक्ट करके अपनी खुद की ही एक अलग दुनिया बनाओ। अब इस बुक में से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो, फर्स्ट, कोई भी चीजें ओरिजिनल नहीं होती, सभी चीजें आगे बनाई गई चीजें और आइडियाज का रिमिक्स वर्जन ही होता है, क्योंकि एवरीबॉडी वाज इंस्पायर्ड बाय समबडी। सेकंड पॉइंट, किसी भी आइडियाज को डायरेक्टली कॉपी करने की बजाय सिलेक्टिवली उसके पीछे छुपी हुई थिंकिंग को कॉपी करो, जिससे आप उसे अपना ट्विस्ट देके ओरिजिनल बना सको। एंड लास्ट पॉइंट, आपके इन्फ्लुएंसर्स के जो भी आइडियाज आपको इंस्पायर करते हो उसे कलेक्ट करके अपनी खुद की ही एक अलग दुनिया बनाओ, जो आगे जाके आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाएगी। क्रिएटिव बनके ग्रेट वर्क प्रोड्यूस करने की ये सभी बातें मैंने ऑस्टिन क्लियोन की इस छोटी सी बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से सीखी है, जो ग्राफिक्स और वर्ड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन से एकदम क्लियर वे में लिखी गई है, जिसे आपको एक बार डेफिनेटली रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।